वहीं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने लोकसभा में बीजेपी की जीत का दावा किया है। संजय निषाद ने न्यूज वन इंडिया से बातचीत में और क्या कुछ कहा, सुनते हैं। और आज हमारे साथ में मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री और साथ ही निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी। संजय निषाद जी, अब महज कुछ ही दिन बचे हैं सातवें चरण के, क्या लगता है कि आखिरकार कहां तक पहुंचे हैं? 400 पार का नारा जिस तरीके से दिया जा रहा है, क्या वो लक्ष्य पूरा होता हुआ नजर आ रहा है? निश्चित रूप से जिस देश में लोकतंत्र को समझ ले जनता और जनता चुनाव लड़ने लगा, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जज है, जनता फैसला लेती है, जनता ही सब कुछ है। और जनता जब जानकारी, किसी को फैसला लेने के लिए जानकारी सही चाहिए, सबूत सही चाहिए, तो जनता ने सबूत इकट्ठा कर लिया कि कांग्रेस ने कितना सत्यानाश किया है और सपा बसपा ने अपने लोगों को साथ कितना छला किया है। उसके बाद तय कर लिया कि इन्हें नहीं आना देना है। और जब जनता का काम, जनता का सरकार, जनता की सेवा, जनता के द्वार हो, तो उसकी फैसला लेने मोदी को लाना है। क्योंकि मोदी जी ने जो कहा था वो किया। पहली बार है देश का कोई प्रधानमंत्री जो कहा वो पूरा। पहले प्रधानमंत्री कहते हैं हम 100 रुपया भेजते हैं, 85 खा जाते हैं, और मोदी कहते हैं हम गारंटी लेते हैं कि खाने वाले को हटाना है, मिटाना, और सीधे जनता का पैसा उनके खाते में पहुंचाना है। तो जनता का पैसा जनता के द्वार है। आज सबसे पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने किसानों की चिंता की, सीधे सम्मान निधि, नौजवानों की चिंता की कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, देश की अर्थव्यवस्था सही किया, देश की अर्थव्यवस्था सही करके दुनिया में जो भी टेक्नोलॉजी हो सकता है उनके लिए सहायता दिया, चाहे बस कर्मन सम्मान निधि हो, चाहे जिस तरीके से हमारे यहाँ कौशल विकास का हो, चाहे हमारे यहाँ मछुआ समुदाय के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हो, फिर उनके लिए फ्री का आज के दिन में फिशरीज क्रेडिट कार्ड हो कि जो बिना किसी गारंटी के 1 लाख आप आधार कार्ड जमा करो, 1,60,000 प्राप्त करो, 7% ब्याज है, 3% मोदी, 4% हम दे रहे हैं फ्री में, तो ये रोजगार के साधन है। तो इस तरीके से मोदी जी ने गारंटी किया कि मछुआरों के लिए पिछली सरकारें 67 साल में 3,000 करोड़ रुपया दिया, इन्होंने 6.5 साल में 41,500 करोड़ रुपया दिया। ये होता है कि किसी को लाने के लिए, तो ये गारंटी के साथ जो मोदी जी ने कहा था वो पूरा किया। फिर संकल्प जारी किया, कहा कि धारा 370 खत्म करेंगे, खत्म किया। कहा हिंदू मुसलमान का झगड़ा खत्म करेंगे, खत्म हो गया। कहा हिंदू मुसलमान का राइट खत्म करेंगे, खत्म करेंगे। कहा था कि अब तलवार से त्यौहार नहीं मनेगा, व्यवहार से त्यौहार मनेगा। व्यवहार से त्यौहार मन रहा, तलवार वाले गायब हो गए। आज के दिन उन्होंने कहा राम मंदिर का दर्शन भी करेंगे, उसे बनाएंगे भी, प्राण प्रतिष्ठा भी करेंगे, दुनिया के लिए दिखाएंगे भी, उन्होंने कर दिया। तो आज के दिन में जिसके लिए जो कहा था किया। फिर अभी देख लीजिए, निषाद राज का किला भी बना दिया, घोषित 56 फुट की मूर्ति भी लगा दिया, पर्यटक स्थल घोषित कर दिया, निषाद राज भगवान के राम के साथ निषाद राज की मूर्ति भी लगा दिया, एक जो है जितने आश्रम है वो निषाद राज के नाम से, और निषाद के घर जाकर देश को भगवान राम को पार उतारने वाला, और उपेक्षित हो 70 साल में जिस तरीके से भगवान राम सबरी के यहाँ जाकर बेर खाए और फिर गरीबी दूर करने के लिए रावण राज खत्म किया, उसी तरीके से जिस युग में एक गरीब निषाद के घर मोदी चाय पीते हों, तो जिस समुदाय का चिंता मोदी करते हों, तो वो आज देखो, पिछले बार 2019 में हम आए थे, 2019-22 हाथ हाथी लाठी 786 ये सारे इकट्ठे हो गए थे, मोदी के साथ डॉक्टर संजय खड़े हो गए, और देखो ऐतिहासिक जीत हो गई 2022। सर, निषाद समुदाय का आपने जिक्र किया और आप भी उसी समुदाय से आते हैं, अगर बात करें रैली में इस दौरान रवि किशन को लेकर भी, रवि किशन निषाद के नाम से इस दौरान उनके नारे भी लगे, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि अगर गोरखपुर की बात की जाए, निषाद समुदाय का एक अच्छा वर्चस्व है और हार जीत का फैसला भी करता है। निषादों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए एक निषाद पार्टी बना रखा है, जिस तरीके से मिल्कमैन ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए साइकिल बना रखा, लेदर मैन ने हाथी बना रखा, उसी तरीके से मछुआ समुदाय ने जय निषाद राज का नारा, झंडा, नेता और पार्टी बना रखा। और जब से पार्टी बना दिया तब से इसका सभी लोग नाम लेना शुरू कर दिया। जैसे इसने अपनी पार्टी बनाया, अपनी नाव से हाथी साइकिल पंजा को उतार के फेंक दिया, और जैसे ही डूबने लगे हाथी साइकिल वाले, तब से निषाद याद आने लगे। इसलिए निषादों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए खुद पार्टी बना रखा, और मोदी योगी अमित शाह तक अपनी वकालत करके, अपनी हिस्सेदारी तय करके, आप देखो इस बार 8 निषाद 2 राज्यसभा में चले गए, संगीता बलवंत चली गई, बाबूराम निषाद, और 6 अभी जा रहे हैं, इंजीनियरपुर निषाद जा रहे हैं, डॉक्टर विनोद बिंद जा रहे हैं, निषाद जो है आपकी जो है निरंजन ज्योति है जा रही हैं, आज धर्मेंद्र कश्यप आंवला जा रहे हैं, और रज्जू भैया है आपके, देख लो आज के दिन में साक्षी मारा, तो ये
आज 70 साल में पहली बार है कि 8 मछुआ समुदाय का व्यक्ति लोकसभा में जाए, और जिस समुदाय की राजनीतिक भागीदारी हो जाती है उस समुदाय का अपने आप विकास होना शुरू। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर दावे हो रहे हैं कि निषाद समुदाय जो है वो रवि किशन के साथ में रहेगा। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन राज के साथ मैं पंकज यादव, न्यूज़ 1 इंडिया, गोरखपुर।